नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं और अगर वो भी चाहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही इस प्रोग्राम का नेक्स्ट एपिसोड आता है, उसके 4 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इसी कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाएगा। हमारी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 102 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये 103rd नंबर का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। साथ ही साथ इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 629 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 630वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। अगर आप इस चैनल के प्रोग्राम्स को देखते हैं और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है या इस चैनल पर आने वाले अन्य प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बैल के आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो चैनल की हेल्प होगी। अब हम बिना विलंब किए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 630वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। और इस कार्यक्रम की पहली जन्म कुंडली, ये कुंडली टीना जी की है। तो टीना जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ टीना जी ने अपना बताया हुआ है 25 मार्च 1997। जन्म का समय इन्होंने दिया है सुबह के 10:20 और जन्म स्थान है न्यू दिल्ली। टीना जी वृषभ लग्न की हैं आप और राशि आपकी बनती है कन्या। पंचग्रही योग आपकी जन्म कुंडली के लाभ स्थान में बना हुआ है। प्रश्न इन्होंने किया है, इज देयर एनी लॉन्ग टर्म अब्रॉड सेटलमेंट, इफ यस देन कब जाना होगा। ये जानना चाहती हैं कि इनकी जन्म कुंडली में कोई लॉन्ग टर्म में विदेश में सेटल होने का योग है और अगर है तो कब होना चाहिए। लग्न पति लाभ भाव में है, स्वदेश पति भी लाभ भाव में है, विदेश पति चतुर्थ भाव में है और परमानेंट विदेश पति नवम भाव में आपकी जन्म कुंडली में जाकर के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ वृषभ लग्न की जन्म कुंडली और गुरु की महादशा आपको 16 अप्रैल से ही प्रारंभ हुई है, मुश्किल से 1 हफ्ता भी हुआ है। और अगर आप जाने के लिए प्रयासरत हैं तो 2024 में आपकी जन्म कुंडली में विदेश जाने के योग बनते हैं और अगर आप जाना चाहें तो जाइए। वैसे स्वदेश पति का लाभ स्थान में जाकर के बैठना और विदेश पति का स्वदेश भाव में जाकर के बैठ जाना आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप स्वदेश में, इंडिया में भी, अपने न्यू दिल्ली में भी अगर आप रहती हैं, तो इनकम वगैरह जो है वो आप यहाँ पर अच्छे से जनरेट कर लेंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती। वैसे भी आपकी कुंडली में लग्नेश जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं धनपति के साथ में, जो कि महाधनी योग होता है वैसे भी, तो धन कमाने की जो चाहत है वो आपके व्यक्तित्व में तो है ही। तो आप यहाँ रहें या बाहर रहें, धन तो आपको दोनों जगह ही मिल जाने वाला है। अब परमानेंट विदेश पति नवम भाव में उच्च राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो अगर आप जाना चाहती हैं तो बाहर भी जा सकती हैं। हालांकि छोटी यात्राएं मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, परंतु अगर आप यहाँ भी रहती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विदेश पति षडबल में सबसे अधिक बली है और वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह जो शनि है, वो गुरु के साथ परिवर्तन योग में तो है परंतु षडबल में अत्यंत कमजोर है, जो कि आपकी जन्म कुंडली में परेशानी का कारण बनेगा। और लग्नपति का नवमांश कुंडली में नीच का हो जाना भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा, आपको भयंकरतम मानसिक अशांति देने वाला ये बनने वाला है। तो नित्य आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करना आपके लिए ठीक है, सूर्य भगवान की आराधना करिए और नित्य किसी भी एक मंदिर में जाकर के अगर आप दर्शन करेंगे, स्पेशली गणेश जी के मंदिर में, तो ये आपके गुरु को भी कुछ हद तक हम ठीक कर सकेंगे। बाकी और भी कुछ उपाय हैं जो इस कुंडली में करने चाहिए, तो वो यहाँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, परंतु फिर भी जो मैंने जितना आपको बताया है उतना अगर आप करें तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है ये नेहा शर्मा जी की है। तो नेहा जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 27 मई 1995। जन्म का समय बताया हुआ है 2:03 और जन्म स्थान है हिमाचल प्रदेश में नाहन। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है नेहा जी आपकी, राशि आपकी मेष बनती है। लग्नपति तो भाग्य स्थान में बैठे हैं जाकर के शुक्र के घर में, शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए अति मित्र बनकर के, परंतु आपकी जन्म कुंडली में केंद्र को मैं खाली देख रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर केंद्र स्थान खाली हो जाए, तो केंद्र के खाली हो जाने के चलते जातक के जीवन काल में संघर्ष काफी हद तक बढ़ जाता है। प्रश्न इन्होंने किया है कि मेरी शादी कब होगी और हस्बैंड कहाँ मिलेंगे। सप्तम पति पराक्रम भाव में जाकर के बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं और मंगल की दशा में गुरु का अंतर, विवाह के योग आपके अभी ही चल रहे हैं।
गोचर कुंडली से भी देखा जाए तो आपके 22 अप्रैल के बाद में, मतलब आपको ये वीडियो 23 अप्रैल को मिलेगा, तो 22 अप्रैल से ही आपके विवाह के योग प्रारंभ हो चुके हैं। तो विवाह के लिए आपको बस प्रयास करना है। जन्म लग्न से आप मांगलिक हैं, चंद्र कुंडली से तो नहीं है लेकिन जन्म कुंडली से हैं, तो जब भी आपका विवाह हो बकायदा कुंडली मिला करके होना चाहिए। किसी एक लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी हो चुका होगा, इस बात के भी योग आपकी जन्म कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। कुछ हद तक धोखा मिलने के योग भी आपकी कुंडली में थे, तो बकायदा कुंडली मिला करके ही आपका विवाह जो है वो होना चाहिए। कहाँ मिलेंगे आपने पूछा है, तो इंटरकास्ट के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, फिर भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपके बर्थ प्लेस से शादी का रिश्ता आने की संभावना है, तो वहाँ पे अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा है। गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के स्नान करिए और घर वालों से कह दीजिए कि अभी से ही लग जाएं रिश्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत प्रबलतम योग है आने वाला एक वर्ष, और इसी वर्ष में अगर आपका विवाह होता है तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको अपने घर वालों से कहना चाहिए कि आप प्रयास करें, और जो उपाय मैंने बताया है कि गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर के स्नान करिए, ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये विकास कुशवाहा जी की है, तो विकास जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 1 नवंबर 1990 रात के 12:11 का इनका जन्म है, 12:11 AM, मतलब ये 31 अक्टूबर रहा होगा उस दिन, और रात के 12 बजे के बाद 1 नवंबर लग गया है। जन्म स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कर्क लग्न के हैं आप विकास जी, राशि आपकी मीन बनती है, और अगर आपकी जन्म कुंडली को देखा जाए तो लग्नपति भाग्य में और भाग्यपति लग्न में बैठे हुए हैं। गुरु केतु की युति है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है उससे। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, जिसको गुरु चांदनी योग के नाम से, और लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई पड़ता है। सूर्य नीच राशि में बैठे हैं, हालांकि उनका नीचत्व भंग है, फिर भी जो उनका नीच राशि में बैठने के कारण जो प्रभाव है उसमें कमी तो है। तो अब आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगर कुछ होगा तो देखी जाएगी। सवाल है, कुंडली में गुरु और शुक्र का हंस और मालव योग है। जी बिल्कुल, और शनि का नीचभंग राजयोग भी है। शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में है ही नहीं, तो शनि का नीचभंग राजयोग कैसे बनेगा? सूर्य का नीचभंग राजयोग है। फिर भी मेरी कोई सेविंग नहीं है और जीवन में सब कुछ नॉर्मल है, बिजनेस भी नहीं है, क्या करें? शनि का नीचभंग राजयोग नहीं, सूर्य का नीचभंग राजयोग है। और ये आपसे किसने कह दिया कि अगर जन्म कुंडली में ये जो योग आप बता रहे हैं ये हो तो आपकी धन संचयन होगा या सेविंग्स होने लगेंगी? व्यपति जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं लाभेश और धनेश के साथ युति बनाते हुए, आपको क्या लगता है सेविंग्स होंगी आपकी? नहीं होंगी। केतु और मंगल के मध्य आपका 12वां भाव पापकर्तरी योग में है, और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना जो कि इस कुंडली में मार्गशीर्ष होते हैं, तो वह भी कुछ गलत दिशा में है। गुरु के लग्न में होने के चलते आपका विवेक जागृत है, आपका ज्ञान जागृत है, परंतु सूर्य के नीच राशि में हो जाने के चलते उनका नीचत्व भंग है, परंतु षडबल में वो अत्यंत कमजोर है, जिसके चलते चेतना जो है वो काफी कमजोर हो चुकी है। नीच भंग का अर्थ आप क्या समझते हैं, कि वो ग्रह उच्च का हो गया? बिल्कुल नहीं। अभी एक प्रश्न था, मैं इन्होंने फिल्टर करके दिया तो मैं चेक कर रहा था। दी एस्ट्रोलॉजी शो का जो नेक्स्ट एपिसोड अभी वेडनेसडे के दिन आएगा उसको देखिएगा, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि नीच भंग क्या होता है। धनपति चतुर्थ में है, चतुर्थेश के साथ है, व्ययेश के भी साथ बैठे हैं, तो धनेश और व्ययेश की युति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहां धनपति नीच राशि में बैठे हुए हैं, व्ययेश के साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी कुंडली में धन संचयन के योग हैं। हाँ, लाभेश आपकी कुंडली के चतुर्थ में है, तो धनागमन अच्छा दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद में बात बारी आ जाती है कि सब कुछ नॉर्मल है, बिजनेस सेविंग भी नहीं है, जीवन में सब कुछ नॉर्मल है, बिजनेस भी कोई नहीं है, तो क्या करें? एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिजनेस भी नहीं और फिर सब कुछ नॉर्मल है, तो नौकरी कर रहे होंगे या तो, और अगर सब कुछ नॉर्मल है बिना व्यापार के तो नॉर्मल कैसे है, क्योंकि इस कुंडली में लाभ की स्थिति तो अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखिए, आप कर्क लग्न के हैं लेकिन लग्न में गुरु होने के चलते आप व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार करने में भी कहीं कुछ कोई मुझे परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। फिर भी अभी जो आपको समय चल रहा है वो शुक्र की दशा और शनि की 7.5 की प्रथम ढैया आपको प्रारंभ हो चुकी है, थोड़ा सा समय आपको आगे देना चाहिए अभी। हालांकि शुक्र में मंगल का अंतर आ रहा है, आप अपना नया व्यापार चालू करना चाहें तो कर सकते हैं मे मंथ के बाद में, नहीं तो अभी आप अगर नौकरी में हैं तो नौकरी में ही बने रहिए। योग हैं, सभी योग हैं, गजकेसरी योग का लाभ भी आपको मिल रहा है, और जरूरी नहीं है ना, वही मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि राजयोग हो तो व्यक्ति धन से पूरी तरह से संपन्न है, धन की स्थिति है, धन आगमन भी आपके पास में होता है, ये आप अभी एक्सेप्ट ना करें, आप सामने होते तो मैं आपसे एक्सेप्ट करा ही लेता कि धन आगमन आपके पास होता है, संचयन इस कुंडली में नहीं है, तो वो कितने भी राजयोग हो संचयन नहीं होना है, तो वो नहीं है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, और जो अगली जन्म कुंडली है
आपको अपने सूर्य का ही उपाय करना चाहिए। वैसे तो धन संचयन आप चाहते हैं, मंगल की दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो आप स्वर्ण इत्यादि में सेविंग्स कर सकते हैं और सूर्य भगवान को जल दिया करिए। रविवार के दिन बिना नमक का उपवास भी अगर आप करें तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। अगली जन्म कुंडली कंग कन दत्ता जी की है, तो आप तैयार हैं। आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 6th of December 1979, रात के 11:40, और जन्म स्थान है रंगिया, आसाम। सिंह लग्न की हैं आप, और राशि जो आपकी बनती है ये मिथुन बनती है। प्रश्न आपने किया है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, मगर मार्च मंथ के अंदर जॉब छोड़ने को बोला है, दूसरा जॉब कब तक मिलेगा और जॉब कैसा होगा? तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, जॉब छूट गया होगा। केतु की महादशा आपको प्रारंभ होगी 5th of May, 5th of July के बाद में। बुध की दशा में शनि का अंतर, प्रबल मार्गशीर्ष आपको चल रहा है, और इस उम्र में जाकर के नौकरी छूट जाना कहीं ना कहीं मार्गशीर्ष का प्रभाव ही है। दशम पति जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम पति लग्न में है, नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। 24 फेब के बाद ही नौकरी मिलने का योग था। गोचर कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुरु का राशि परिवर्तन जो होगा वो आपकी जन्म कुंडली से लाभ स्थान में होगा, जो कि दशम पति बनकर के लाभ भाव में संचरण करेंगे, तो नौकरी मिलने का योग आपका चल ही रहा है। बस आप प्रारंभ अपना जो प्रयास है वो जारी रखिए, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मई मंथ के आसपास ही आपकी जन्म कुंडली में जॉब मिलने के प्रबलतम योग है, तो उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। नौकरी देख लीजिए, मार्केश है तो थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन 21 मई के लगभग लगभग इस कुंडली में नौकरी मिलने का योग है, तो आप प्रयास अपना जारी रखिए। किसी स्पेसिफिक उपाय की भी आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको है, बस हाँ मार्केश की दशा चल रही है तो गणेश जी की आराधना करिए सबसे पहले तो, और हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार आप पाठ करें। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करें। गणेश जी की आराधना अभी से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में केतु की महादशा है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी कंटेंट इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इसी कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से ठीक इसी तरह जैसे मैंने अभी किया किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी डिटेल्स देने के बाद में जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आप स्क्रीन पर दिया हुआ है।